फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज से हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड के मराठी का चैप्टर। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, नाच रे मोरा। बच्चों, ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम, इट्स वेरी ब्यूटीफुल पोएम, इट्स रिटन बाय ग दी माडगुलकर। इसको किसने लिखा है बच्चों? ग दी माडगुलकर। और इसमें बहुत सारे सिंगिंग भी हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने इसे गाया है। इसमें आई थिंक सो एक मूवी में इसमें सॉन्ग भी दिया है, ये जो पोएम है नाच रे मोरा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नाच रे मोरा। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करना। तो हम स्टार्ट करते हैं पोयम 1, नाच रे मोरा। नाच रे मोरा मीन्स वॉट? नाच मीन्स डांस, मोरा मीन्स पीकॉक। तो जो इस पोयम में जो एक बच्ची है वो मोर को बोल रही है क्या करने के लिए? नाचने के लिए, यानी कि वो डांस करने के लिए मोर को बोल रही है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एका एका मतलब सुनो, महणा महणा मीन्स बोलो। नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा नाच। तो ये जो लड़की है, जो गर्ल है, वो मोर को बोल रही, पिकॉक को बोल रही है कि तुम नाचो। कहाँ पर? आंब्याच्या वनात। आंब्याच्या मीन्स मैंगो, मैंगो का जो वन है, जो बाग है, बगीचा है, उसमें वो पोयम लड़की मोर को बोल रही है नाचने के लिए। ढगांशी वारा झुंझला रे, काला काला कापूस पिंजला रे। ढगांशी, ढग मतलब क्या बच्चों? क्लाउड। वारा मतलब क्या? हवा, एयर। झुंझला रे मतलब टकराना। हवा और जो क्लाउड्स है वो क्या है? एक दूसरे से क्या हुए हैं? झुंझला रे मतलब टकरा गए हैं। काला काला कापूस पिंजला रे, काला काला कापूस, काला काला मतलब ब्लैक कलर, कापूस मीन्स कॉटन रुई, वो भी क्या है? टकरा गए। जो क्लाउड्स है उसको क्या बोला है? काला काला। बारिश के सीजन में जो क्लाउड्स होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं, इसीलिए उसको क्या बोला है? ब्लैक कलर का कापूस। क्या है? वो भी टकरा गया। आता तुझे पाड़ी, अब तुझी मीन्स तेरी, पाड़ी मतलब तुम्हारी बारी है, तुम्हारा नंबर है। बीज देते टाड़ी, जो बीज है यानी जो बिजली है वो भी टाड़ी बजा रही, यानी वो भी कड़क रही है। फुलव पिसारा नाच, अपने जो पंख है मोर के, जो पंख होते पिकॉक के, उसको फुला के तू भी नाच। देखो, पिकॉक पिकॉक के ये क्या है? पिसारा, इसको बोलते हैं पिसारा, ये जो उसके पंख होते हैं। तो वो जो लड़की क्या बोल रही है? तुम भी अपने पंख को फैलाकर नाचो। झड़ झड़ धार झरली रे, झाड़ा ची बिजली इरली रे। जो झर झर मतलब झिमझिम, जब बारिश गिरती है तो बारिश कैसे आती है? झरझर आती है। धार यानी कि बारिश का जो पानी है वो गिर रहा है, झरली रे नीचे आ रहा है। झाड़ा ची बिजली इरली रे, झाड़ है जो ट्रीज है, भिजना मतलब गीला होना, भीग जाना, इरली रे यानी जो झाड़ के सारे पार्ट्स है, जो लीव्स है वो भी क्या हो गई है? भीज गई है, यानी गिल्ली हो गई है, भीग गई है बारिश के पानी से। पावसा तो नहाऊं कहीं तरी गाऊं, बारिश में, पाउस मतलब क्या बच्चों? बारिश, रेन। रेन में नहाऊं मतलब बारिश में नहाना। कहीं तरी गाऊं, बारिश में भिग के हम कुछ तो गाएं। करुण पुकारा नाच, तुम भी पुकार के गा के क्या करो? नाचो, पुकार के नाचो। कौन बोल रहा है बच्चों? ये जो एक लड़की है, ये जो बच्ची है, वो किसको बोल रही है? पिकॉक को बोल रही है। थेंब थेंब तड़िया तो नाचती रे, टप टप पाना तो बाजती रे। जो थेंब थेंब मतलब क्या बच्चों? ड्रॉप्स, बूंद, पानी की जो बूंद होती है वो। तड़ियात नाचती रे, तड़ियात मतलब तालाब, पॉन्ड, वहां पे जो पानी की जो बूंदे गिरती है तो टप टप आवाज आती है। तो यानी कि उसको क्या बोल रही है? जो पानी की बूंदे हैं वो भी क्या कर रही है? नाच रही है। टप टप पाना तो बाजती रे,
क्या है, पान में पत्तों पे बज रही है, आवाज आती है ना टिप टप पानी की। पावसा चा रे घात खेड़ खेड़ू दो घात, पावसा चा रे घात यानी ये जो पावस की जो झड़ी लगी है, जो बारिश आ रही है, देखो यहाँ पे दिखाया है ना ये रे घात, जो पावसा चा की रे घात है उसमें खेड़ मतलब कुछ गेम, खेलू मतलब खेलना, दोगात यानी दोनों जन, दोनों जन क्या करें यहाँ पे बारिश में हम कुछ खेलते हैं। नीड़िया सोंगड़िया नाच, नीड़िया मतलब कौन, नीड़िया मतलब ब्लू कलर, सोंगड़िया मतलब क्या, फ्रेंड दोस्त, नाच। तो ये जो गर्ल है वो उसको बोल रही है, पिकॉक को बोल रही है, ब्लू कलर की मेरी फ्रेंड, क्योंकि पिकॉक कैसा कलर का होता है देखो, ब्लू कलर का है, तो वो क्या उसको बोल रही है, ब्लू कलर की मेरी फ्रेंड तुम नाचो। पावसाची रिमझिम थांबली रे, तुझी माझी जोड़ी जमली रे। बारिश की जो थम आ रही थी, बारिश आ रही थी, रिमझिम जो पानी बरस रहा था वो थांबली, थांबली मतलब रुक गई, लेकिन तुझी माझी जोड़ी जमली रे, लेकिन तेरी और मेरी जो दोस्ती है वो पक्की हो गई है, तुम्हारी जो पहले हमारा जम गया है। आभाड़त छान छान सात रंगी कमान, कमानी खाली त्या नाच। आभाड़त मतलब क्या बच्चों, आकाश, छान छान आकाश में, छान छान यानी सुंदर सुंदर, सात रंगी कमान यानी कि सेवन कलर्स का क्या आया है, रेनबो, और उस रेनबो के नीचे कमानी खाली यानी रेनबो के नीचे तुम नाचो। वो क्या बोल रही है पोयट जो गर्ल है वो, कि बारिश तो रुक गई है और तेरी मेरी दोस्ती भी अच्छी हो गई है, और आकाश के नीचे जब बारिश रुक जाती है तो क्या होता है, हमको क्या दिखाई देता है बच्चों, रेनबो दिखाई देता है, सात कलर का रेनबो होता है, आप लोगों ने देखा होगा आकाश में बारिश के पास में, अगर नहीं देखा है तो उसे बारिश के मौसम में आप जरूर से देखना, आपको दिखाई देगा सात कलर का जो रेनबो होता है, तो उस रेनबो के नीचे वो उसको बोल रही है तुम नाचो रे, हमारी दोस्ती तो जम गई है। और ये जो ब्यूटीफुल पोयम है इसको रिटन लिखा है ग दी माडगुड़कर। जो बच्चे एक बार इस पोयम को पूरा रीड करके देखते हैं हम, नाच रे मोरा आंबा चवा नाथ, नाच रे मोरा नाच, डगा शिवारा झुंझला रे, काला काला कापूस पिंजला रे। आता तुझी पाड़ी बीज देते टाड़ी, फुलव पिसारा नाच, नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा नाच। झरझर धार झरली रे, झाडाची भिजली इरली रे, पावसात नाहू काही तरी गाऊ, करून पुकारा नाच, नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा नाच। थेंब थेंब तळ्यात नाचती रे, टप टप पानात वाजती रे, पावसाच्या रेघात खेळ खेळू दोघात, निळ्या सोंगड्या नाच, नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा नाच। पावसाची रिमझिम थांबली रे, तुझी माझी जोडी जमली रे, आभाळात छान छान सात रंगी कमान, कमानी खाली त्या नाच, नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा नाच। तो बच्चों इसके साथ ही आज मैंने ये पोएम के एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर दी है, और इस पोएम के जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको अगले वीडियो में जरूर से मिल जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करना। थैंक यू, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदना ट्यूटोरियल।